आज फाजिलका में सीपीआई सीपीएम यूनियन के आगू हंसराज गोल्डन, परमजीत सिंह ताबा, सुबेग सिंह, जज सिंह, बलजीत सिंह, हरबंस सिंह, मलकीत सिंह दे वल्लों जिला पुलिस मुखी दीपक हेलोरी दे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दसया गया कि जिला पुलिस मुखी वालों लोगों नूं सही ढंग नाल नहीं मिलिया जा रहा अते उन्हां दी मुश्किलां नहीं सुनिया जा रही, बल्कि सत्ताधारी पार्टी दे हाथां दी कठपुतली बन के उन्हां दा काम किया जा रहा है। इस संबंध में अज उन्हां वल्लों जिला पुलिस मुखी फाजिलका के खिलाफ मुख्यमंत्री पंजाब डीजीपी पंजाब अते डीआईजी रेनफोईपुर नूं शिकायत की गई है। जेकर उन्हां वल्लों इस खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की गई तो वह जिला पद्धर से भी धरने मुजहरे करन तो गुरेज नहीं करनगे। होर इस मौके हंसराज गोल्डन ने की किया ये सब जानने लिए साडी पूरी वीडियो वेखो। फाजिलका जिले के दूसरी बार लगे ने एस एस पी दीपक हलोरी। साढ़े जिले के कई कह लो काफ़ी गिनती जो जिला बनया एस एस पी कई लग के गए हैं। ये ठीक है, लेकिन किसी ना साड़ी ना फिट होगी जिस जिन्हें साड़ी रिस्पैक्ट या कदर या काम कार साढ़े उस ढंग नहीं किए जो साढ़े जायज़ काम ने। पता ही है लोगों भी काम काम जायज़ ही लैन, कोई नजायज़ काम लिए असं नहीं आते। नजायज़ काम लिए या तो सरकार वाले कराते हैं या कोई दलाल दलूल वगैरह वो बंदे कराते हैं। जिन्हें जिन्हें सही काम साड़ी इज्जत माण भी की, साडा काम कार भी किया, काम यह भी नहीं 100% कह 100 काम कह तो 100 ही करता, कई नहीं भी हो जिमें सरदार रणजीत सिंह जी रहे, भुपिंदर सिंह जी रहे, आई जी शीना साहब ने, हरदयाल सिंह मान ने, बहुत बंदे वधिया ने, बड़ी रिस्पैक्ट करते हैं बंदे की कांट सुन के ही ना बंदे की इज्जत मान करते हैं। इन्हें अद्धा काम तो वैसे ही मन तो सदी हो जाती, मेरा काम ना भी हो अद्धा तो होगा हो जाएगा। एक ऐदा का जिदा पर मतलब बिहेव करना जिमें कोई बंदे वेखे ही पैनी है। सो पिछली बार भी रहे उस बार भी इन्होंने साढ़े ना इस तरह किया, मतलब पता नहीं कम्यूनिस्टों एलर्जी इस बंदे। पर मैनू यह पता लग्या भी होर भी कई इस तरह की बदतमीजी करते हैं। सो असी पार्टी वालों खिलाफ़ एक्शन विढ़ांगे, जिहड़ा बंदा गलत होगा उन्हें गलत के खिलाफ कार्रवाई करने लिए असी अगे भी लड़ने हैं तो हूँ भी लड़ांगे। कई मामले ये को लैके गए हैं, एक माऊ वाले पिंड का मामला है, जमीन कोई रकबा है जिहड़ा घर भी है तो खेतों में भी है, तो उस रकबे जो उन्होंने बना लिया मुल लैके जमीन, मकान भी दीवार बना ली, एक सरपंच पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का आगू ने या वर्कर ने, उन्होंने आके गुंडे लैके बदमाश लैके तलवारां हवा च लकार के ते बकायदा वो मकान उटाता। ये बंदे घर नहीं सन, चलो बचत हो गई, उन्होंने लड़ाई नहीं हुई या उन्होंने सट्टा नहीं लगियां, बचत इस गलते हुई। नजायज़ कब्जा करके अगले दिन ही वेख लो जिहड़े मैंबरां ने लिख के दिता भी ये पंचायत का रकबा है, मैंबरों ने इस गल का पता लगे भी पंचायत का रकबा नहीं, उन्होंने बकायदा इन्हों इस पार्टी में जो बैठे इन्हों बकायदा एफीडेविट करके देता भी ये पंचायत का रकबा नहीं है, असं ये खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। एडू वड्डा होर सबूत की दे सकते हैं, असं एस एस पी ने भी सबूत दिता है, एस एस पी ने वीडियो भी विखाई है कि आ जी वीडियो वेखो जरा इन्होंने गुंडागर्दी की है। जे एस एस पी वे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता यदा मतलब है कि सीधा वो उन्हों की मदद है, यदा मतलब असं कहने उन्होंने पंचायत में कोई राइट बनता है, उन्होंने मान लो उन्होंने है शक में या मन में इस गल का कि साडा कानूनी राइट बनता है, तो फिर कानून पुलिस है, कचहरी है, कोर्ट है, तहसील है, कानूनी तौर पर लगे हूँ कोई मैं हाँ या होर कोई लीडर कांग्रेस का या कोई हो मैं गुंडे भेज के लवाना कब्जा या तलवारा लटका के, तो फिर अज भी कोई उच्च अधिकारी भी इन्हों की मदद करे। और वीडियो तो मैं आपके को नहीं बनाई ना, वीडियो वेख लवे भावें डी जी पी साहब वेख लैन, मुख्यमंत्री वेख लैन, जो मर्जी वेखन तो आधार से ये कार्रवाई करने, इन्हें कार्रवाई इन्हें दिन की क्यों नहीं। यह मतलब हर बंदा भी इस तरह करेगा कब्जे लैन वास्ते या आप हाथ ताण लिया, मतलब पुलिस की कोई लोड़ नहीं, पुलिस को कोई कहे ना एप्लीकेशन देवे ना जा के डांगा लैके तो तलवारा लैके आपका कब्जा लैता है, यदा मतलब खुद करवा गया। अगली गल यह है कि करोना आया है, ये लगभग डेढ़ दो महीने तो मेरे ख्याल से आ गए हैं साढ़े जिले में। करोना तो फिरोजपुर भी है, मैं फिरोजपुर गया कई बार, बकायदा अंदर वेटिंग रूम में बिठा दें लोगों को, 45 डिग्री से टेंपरेचर है, इन्नी गर्मी पै रही है, लो पै रही है, तो लोग उत्थे जिथे पखा लग्या वेटिंग वास्ते बनया हाल बनया वो बकायदा सीटा पर बैठे, इन्हें बाहर बिठा रखा लोगों जिथे इन्नी लो चल रही है तो लोग बीमार हो रहे हैं। फिर किसी कोई पार्टी का आगू हो, पत्रकार हो, किसी कोई विशेष नहीं,
अंदर एक भी कुर्सी नहीं किसी के पास है जिथे अंदर बैठने या खड़ा ठीक वेट करनी है। ये अंदर कोई मान लो मीटिंग चल रही है तुम पाँच घंटा खड़े रहो तो पैरों से खड़ना पैना तो कुर्सी नहीं मिलनी। यह जहाँ राज तो मैं पहली बार वेख्या भी इन्ना चिर हो गया 12-13 साल इनू भी जिले बने मैनू भी पार्टी काम करद 25 साल का समा हो गया मैं तो अज तक इस तरह नहीं वेख्या भी वह बंदा कोई भी जो घंटा 2 घंटे वो खड़ा रहे फिर मिलने। सो वड्डी देवी गल है भी जरा अणमनुखी व्यवहार कर रहा है असं पावे वो खिलाफ ये खिलाफ रिट भी पावे मनुखी अधिकार की उलंघना जी की खिलाफ कार्रवाई करावे। सो वो एक तो इनू ठीक किया जाए या ये खिलाफ जी कार्रवाई की जाए कि अधिकारी ने जी एस एस पी दीपक अलोरी वो गल कर रहा मैं। सो नाल ही एक पिंड मेरे की लड़की है वो मतलब अबोर व्याई है होम गार्ड का सब इंस्पेक्टर है तो वो खिलाफ एफ आई आर दर्ज में 2 महीने तो बाद समा हो चलिया है ये उन्होंने अरैसट ही नहीं कर रहा मतलब कह कदें इनकुआरी खा के कदें कुछ करके इस तरह का हरासमेंट कर रहे हैं। वो कोई इस तरह की सधारण कुड़ी नहीं है बैंक की डिप्टी मैनेजर है वो इन्नी बदीकी हो रही जो एफ आई आर दर्ज कराई उन्होंने इंसाफ नहीं मिल रहा। सो होर भी इस तरह के मामले जोड़े ने असी लियावे असी हम जो प्रेस नोटा रिलीज़ कर रहे हैं इस संबंध में लोगों को अवेयर करा लोगों जाके पिंडा में दसागे भी आओ जिन्ना ना होर जातियाँ काफ़ी वही गिनती लोग ने वो पार्टिया के वक्त वक्त आगू हो सकते हैं किसान किसान आगू भी हो सकते हैं इतों तक कांग्रेस के भी 2-3 ही ने जिन्हों बिठा आपके कोल बाकी कांग्रेस वाले भी दुखी ने जी। सो साढ़े ना संपर्क कर रहे हैं कि तुम ये चंगा काम कर रहे हैं ये खिलाफ़ तुम आवाज उठाओ असं थोड़े नाल हैं ठीक है जो आने तो वैल है नहीं तो कोई जरूरी नहीं भी असं ये जो मोर्चा लाना है असं उन्होंने करके लाना है साढ़े को इन्नी ताकत है कि आपकी पार्टी ने जैसे जथेबंद ये कार्रवाई वो खिलाफ़ करावे ये ठीक है भी हूँ चेतना फैलान लिए असं पिंड बकायदा आपकी गड्डिया लैके आप स्पीकर बन के खिलाफ लोगों को अवेयर करा कि ये कोई जंगल राज नहीं है। इन्ना डर पाया हुआ है कि साढ़े वर्गा बंदा जिहड़ा जिन्हें भी डर ना की चीज़ ही नहीं है उन्होंने भी डराने की गल करता तो सधारण बंदा कितों इंसाफ लै सकता मैं कई पूछा उतों भी तुम्हें इंसाफ उन्होंने इंसाफ लै ना की चीज़ ही कोई सो मुलाजम भी होर भी जे बहुत दुखी ने तू पता नहीं है कि थान तो लैके आए हैं तो मैनू तो समझ नहीं आती भी अक्सर जिन्हें पब्लिक डीलिंग करनी है तो वह तो बंदा बहुत नरम होना चाहिए कोई काम ना भी होम गल सुन तो भी अभी तसली का कम मतलब वो गलबात सुनते ही हो जाए कि मिलन दिता गया नहीं मिलने की गल रोक के नहीं मिलने तो महकमा मैंने रोकया है पर यह है भी मिलने जाना तो कोई बैठने जगह नहीं हैगी खड़ा रहना घंटा 2-2 घंटे मैं 5-7 बार इन्होंने दिनों में गया मिलने फिर कोई चंद की गल नहीं सुनी जो जो कोई डाकूमेंट पेश कर रहा वो डाकूमेंट नहीं वेखना उन्होंने चला के मारना है मतलब इंसल्ट करनी अगले की तो इस तरह होर भी कई ने डी जी पी साहब ने शिकायतें की कल मैंने फोन आए हैं उन्होंने कहा कि साढ़े नाल भी इन्हें दुरव्यवहार किया मतलब गोपी राम है उतो तो जलालाबाद का उन्हें भी हाईकोर्ट रिट भी कहता मैं पाई है तो मैं ये खिलाफ़ कार्रवाई लिए शिकायतें भी भेजी मैंने उन्हें व्हाट्सएप से भेजिया ने। सो होर लोग दुखी ने जो हौली हौली आ रहे हैं सो असं भी ये सारे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लिया रहे हो हाँ जी असं डी जी पी साहब के बकायदा मुख्यमंत्री के इंडिया के गृहमंत्री के ध्यान में लिया के मतलब पहला लिया के ध्यान में उन्होंने ये गल दिना रहे भी सानू मतलब लिखती क्यों नहीं है साढ़ी क्यों नहीं पहला लिखती भेज रहे हो हाँ जी लिखती असं बकायदा दरखास्त कट रहे उन्होंने मेरे तो बगैर किसी का काम नहीं होना चाहिए एको जना राजा इस इलाके का बनना चाहता है। दूसरा यह भी नेचर ही इस तरह नहीं कहते जी नेचर ही इस तरह की नेचर यदि है इस तरह की क्यों लाओ चंडीगढ़ किसी दफ्तर च ला दो जिथे लोग ना मिलने या लोग पसंद ही नहीं मिलने आप चाहते भी मैं मिलना ही नहीं किसी भी तो फिर दफ्तर लगना चाहिए करोना का डर भी इनू है तो भी पब्लिक डीलिंग कर लग्या तो करोना का कुछ पै जो जरूरत रखता वही कर सकता ना तो ठीक है लोग तुरे फिरते हैं रोजी रोटी लिए करोना का तो हरेक बंद खतरा है। सो जे बंदे भी अंदर जाते हैं वो बकायदा करोना की पालना ही करके अंदर जा रहे हैं अभी भी तुम जाके देख सकते पत्रकार जो तुम जाके उखो जाके उन्होंने पूछो जाकर कि देर हो भी तुम बैठे या मतलब तोपे किस तरह बैठे ने वो तो अंदर एक बेंच भी या एक कुर्सी भी नहीं लाई लोगों वास्ते नहीं संबंधित अधिकारी दे नोटिस ही लिया मतलब ये नाराजगी संबंधित अधिकारी एस एस पी ने कहा भी आ गलत हो रहा है वो कहता बस फालतू बात ना करो मतलब अपना प्रेशर पाने फालतू इन्होंने फालतू बात समझता है जो ये गल की उन्होंने कोई बदी शब्दावली यूज किया शब्दावली करती है गैट आउट होने की भी गल करते भी आपके काम की गल करो गैट आउट होने का मतलब तू बाहर हो जाए दफ्तर तू भी दफ्तर तो जमीन आप खरीदे आता है मुल लिया दफ्तर
तो असं यहाँ जरा अगर भी असं इस तरह के जो कोई जास्ती करते हैं वो भावें जिन्ना मर्जी अपने आप को समझता हो डीसी हो एस एस पी हो साडा प्रेम प्यार भी काफ़िया नाल है पर जो कोई अड़ता फिर उन्होंने बचाने की गल भी आती असं इस तरह का नहीं सहन करा जो लोगों जास्ती हो रही है लोगों को वैर करके नाल जोड़ के ये चाहे पिंड पिंड पुतले भी फूकने पे कोई जिले पत्र का प्रोग्राम तय करना पाया तो बाद करा पहला अगर जो प्रेस नोट जरा जो दरखास्त भेज रहे हैं वह संबंध में कार्रवाई वेट भी करा हाईकोर्ट रेट भी पावे खिलाफ दस एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।